नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं काली जी के मंदिर पर। ये झांसी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और इनको बड़ी काली जी बोला जाता है। ये देखिए मंदिर का मेन गेट है और इसके आसपास में भी बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारी गाय देखिए आपको दिख रही है। ये देखिए ये यहाँ का मेन गेट है और इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। चलिए चलते हैं अंदर, अब आगे अंदर चलते हैं अपन। हम प्रवेश कर चुके हैं, ये इसका दूसरा द्वार है छोटा। चलिए, इस मंदिर की बहुत मान्यता है और रानी जी भी इस मंदिर में आके पूजा करती थी। पहले बहुत छोटा मंदिर था, उसके बाद फिर आज़ादी के बाद इसका इसको बनाया गया दोबारा से। उस समय ये छोटा सा मंदिर हुआ करता था और अब ये भव्य मंदिर हो चुका है और यहाँ पर तंत्र सिद्धि और मंत्र सिद्धि सारी चीज़ें यहाँ होती हैं। और जब आज़ादी के बाद यहाँ पर जो हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ये देखिए हमारी जो पहली प्रधानमंत्री थी महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, वो यहाँ पर पूजा करने के लिए जब आई थी तो कहा जाता है कि यहाँ के जो समय पंडित थे और जो पुजारी थे, और इस मंदिर की भव्यता उससे भी नापी जाती है कि उनको यहाँ पर आने के बाद भी 3 से 4 घंटे वेट करने पड़ा था माता के दर्शन करने के लिए और पूजा अर्चना करने के लिए। चलिए हम अंदर चलते हैं। ये जस्ट बगल में माँ पीताम्बरा का मंदिर है, वो भी हम आपको अंदर से दिखाएंगे। अभी चलिए अंदर चलते हैं। जय माँ। ये देखिए अंदर से कितना भव्य और कितना विशाल मंदिर है। ये भीड़ देखिए, कितनी भीड़ लगी हुई है लोगों की। चलिए अंदर आपको मूर्ति भी दिखाते हैं, माता की जो भव्य प्रतिमा है साक्षात जीवन देवी लगती है। चलिए और आगे चलते हैं। ये माता के मंदिर का पीछे का एरिया है, ये देखिए कितना अच्छे तरीके से सजाया गया हुआ है। ये देखिए मंदिर के जस्ट सामने ही ये लक्ष्मी तालाब है, जो कि कहा जाता है कि यहाँ पर रानी जी नहा कर स्नान कर कर अपनी सखियों के साथ में स्नान करने के बाद यहाँ आया करती थी और माता के दर्शन करती थी। और ये जस्ट सामने देखिए एक आगे ही एक और मंदिर है, ये मंदिर माँ लक्ष्मी का है, जो कि माता रानी जो कि हमारी लक्ष्मीबाई जिन जो महारानी थी उन्होंने ही स्थापित किया था और यहाँ पर वो हमेशा रोज़ पूजा अर्चना करने आया करती थी। और ये अभी यहाँ के ताल का जो सुंदरीकरण चल रहा है, कार्य बहुत प्रगति पर है, धीरे धीरे करके इसको और सुंदर बनाया जा रहा है। ये हमारी धरोहर है, हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी की
जिन्होंने इस जिसके नाम से ये झांसी जानी जाती है। आप सामने देख रहे होंगे सफ़ेद कलर का वो किले का ही एक रूप है, जहाँ पर दरबान लोग और सुरक्षा गार्ड खड़े हुआ करते थे। ये देखिए, इसी के पास में ही गंगाधर राव जी जो यहाँ के राजा थे उनकी छतरी बनी हुई है, ये सामने आपको दिख रही होगी। उसी के पीछे जस्ट पीछे ही माँ लक्ष्मी का भी मंदिर है। कभी और टाइम मिलेगा तो मैं आपको माँ लक्ष्मी का भी मंदिर दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए भीड़ बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे दिन निकलता जाएगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी। मंदिर को बहुत भव्य तरीके से सजाया भी गया है, फूलों से, गुब्बारों से, हर चीज से। भीड़ बहुत है, मुझे भी बाहर निकलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है महसूस हो रही। चलिए अब चलते हैं बाहर माँ पीतांबरा के दर्शन करने के लिए। ये माँ पीतांबरा का मंदिर है, ये अंदर जाने का गेट है। चलिए चलते हैं। ये बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, बहुत ही पुराना बरगद का। अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, अपना वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। ये आखिरी मंदिर इस परिसर का। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसको शेयर करना ना भूलिएगा। आप अगर इसको शेयर करते हैं तो उससे हमको बहुत ही अच्छा फील होता है, जिससे कि हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। और ये एक तरीके का हमारे लिए प्रोत्साहन होता है कि आप लोग हमारे वीडियो शेयर करते हैं, देखते हैं, और हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा कार्य होता है आप लोगों के थ्रू करेगा। चलिए अब वीडियो कहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।